Hey. ये फोटो अच्छा क्लिप बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या है पता नहीं चल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है इंदर कुमार का। इंदर कुमार उस वीडियो में अपने आप को सुसाइड करने से पहले कुछ बातें ऑडियंस को बता रहा है, ऐसा दर्शाने की कोशिश की है। बट मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये जो सीन है, ये वीडियो उसके एक आने वाली फिल्म, जिस फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यारो, इस फिल्म का एक सीन है। ये कोई सुसाइड करने से पहले कोई इंदर ने कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है और ना इंदर ने कोई सुसाइड करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि ये सीन अपनी फिल्म में पिक्चराइज ज़रूर किया हुआ है। यहाँ पे आज मेरे साथ में फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रेम भी है और मेरी बेटी यानी कि इंदर की सेकंड वाइफ पल्लवी भी आई है, वो भी आपको इस फिल्म के बारे में ज़रूर बताएंगी। और मैं इंदर को डे फर्स्ट से जानता था। इंदर जब कलकत्ता से पहली बार आया था तब से लेकर तो आखिरी दिन तक के मैं उसके साथ में रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ और दावे के साथ ये कहना भी चाहता हूँ कि इंदर सब कुछ कर सकता है, आत्महत्या नहीं कर सकता है। और ये आत्महत्या का जो एल्बम मार्केट में जो वायरल हो रहा है, ये जनता से कहना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है। ये एक उसके आने वाले फिल्म का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या रिश्ता है, अगर बात करें जनता को बताएं आपका रिश्ता और इंदर कुमार क्या रिश्ता है? इंदर कुमार मेरी बड़ी बेटी सोनल कारिया के हस्बैंड थे, उनकी एक बेटी है 14 साल की जिसका नाम खुशी है जो मेरे पास में है। बाद में इंदर ने पल्लवी से शादी की थी, पल्लवी से उनको एक बेटी है और हम दोनों बेटियों के बीच में मैं एक ब्रिज का रिश्ता संभाल रहा हूँ। यानी इंदर का ससुर के होने के नाते मैं पल्लवी का बाप भी लगने लग गया हूँ। सबसे पहले आपका नाम? सबसे पहले आपका नाम पल्लवी कुमार। अभी हाल ही में वीडियो वायरल हो रहा है, पहले बताइए इंदर कुमार से आपका क्या रिलेशन, अपना परिचय दीजिए। इंदर वॉज माई हस्बैंड एंड अभी जो वीडियो फिलहाल हुआ है लीक, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ इंदर फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड फटी पड़ी है यार। क्या है, आपने प्रेस मीट रखा है, मीडिया को बुलाया, ऐसी क्या बात हो गई थी, ये बताना चाहेंगे? इस वीडियो के लीक होने के बाद काफ़ी नेगेटिविटी हो रही थी एंड काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो रहे थे विच इज़ नॉट गुड फॉर द मूवी बिकॉज मूवी अभी रिलीज होने वाली है। एंड नेगेटिविटी आई डोंट बिलीव इट इन। वीडियो का सच क्या है, पल्लवी आप जानना चाहेंगे? वीडियो का सच यही है कि एक पिक्चर का सीन है ये जो लीक हो गया अनफॉर्चुनेटली एंड वो पिक्चर अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। सीन क्या है, आपने देखा भी क्या है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे? हाँ, थोड़ा देखा है बट काफ़ी नेगेटिव है तो यू नो बोलना भी अजीब लगता है, सुसाइडल है, बट दैट वाज अ काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट फॉर द स्क्रिप्ट एंड कम्प्लीटली अ PSP फॉर द मूवी बिकॉज टर्निंग पॉइंट है पिक्चर का, तो उसके लिए तो ऑडियंस को पिक्चर ही देखनी पड़ेगी फिर समझ में आएगा। ये एक्चुअली परसों वन ऑफ माई फ्रेंड्स फॉरवर्डेड टू मी एंड मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगा कि ये इसके पास कैसे आ गया ये वीडियो। तो फिर मैंने डायरेक्टर जी को फ़ोन किया तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे व्हाट्सएप आ चुके थे, तो देन वी रियलाइज दैट इट हैज़ बीन लीक्ड। मीडिया के जरिए आप सच बताना चाहेंगे इंदर कुमार की जो डेथ हुई है क्या है, जो ये रूमर फैला हुआ क्या है, नेचुरल डेथ की क्या है? इट इज़ अ नेचुरल डेथ ओनली बिकॉज हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इन स्लीप ओनली। कितना आपको हर्ट हो रहा आपको ये चीज़ देखकर? जब ऑब्वियसली इंदर के बारे में कोई भी नेगेटिव बोलता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। किस तरह के इंसान थे इंदर कुमार जी? वेरी 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 सिंपल एंड वेरी होमली। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वो बहुत ही अच्छे पिता थे, तो ही लव स्पेंडिंग टाइम विथ हिज डॉटर और वेरी होमली, तो ऐसी कोई बात मुझे महसूस कभी हुई नहीं, कारण ही नहीं था। आपका
टोटली क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया को आज, क्या सफाई देना चाहेंगे? सफाई तो कुछ देने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मीडिया को भी और ऑडियंसेस को भी पता चल जाएगा कि पिक्चर का सीन है, इसे रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो पूरा अभी हलचल मचा हुआ है इस चीज़ को लेके, तो इसके कारण मैं चाहूँगी कि आप लोग सबको ही जाके मूवी देखें जब मूवी रिलीज़ हो, और इन्जॉय करें बस। इंदर इज द मेन इन इट, देन देयर इज सुनील पाल जी, देन कुलदीप सरीन जी, एंड जो एक्ट्रेसेस हैं वो नई हैं, एंड इट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी बट अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड अ वेरी रियलिस्टिक सब्जेक्ट एक्चुअली। फिल्म पूरी कंप्लीट हो गई थी नितिन कुमार जी के साथ। जी जी। कब रिलीज करने का आपको? जैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म हो जाता है, वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर द रिलीज As soon as possible। इससे बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा फिल्म के, अगर ये रूमर खत्म नहीं होता है तो क्या कहना है? ये रूमर तो खत्म होना ही है क्योंकि इसमें कुछ रियलिटी ही नहीं है, जैसे ही पिक्चर रिलीज होगी वैसे ही रूमर खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने पहली बार कहाँ से उठाई है धुआं जो है गलत? हाँ, उसके लिए वी गोट अ फाइल अ कम्प्लेन। नहीं, वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ कम्प्लेन एंड वी विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट इट। सर मेरा नाम प्रेम गिरदानी है, मैं फटी पटी हजार का राइटर डायरेक्टर हूँ। मैंने इंद्र को लेके एक बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है सर। मैंने सर प्रेम गिरदानी नाम है मेरा, मैंने इंद्र सर को लेके ये फिल्म बनाई थी फटी पटी हजार, और जो सब्जेक्ट हमने चुना और जिस सब्जेक्ट को लेके हम आगे बढ़े थे वो था सुसाइड के ऊपर। और आज नियति ऐसी है कि सुसाइड की का ब्लेम ही इंद्र कुमार के ऊपर लग गया है अभी, कि सुसाइड किया है इंद्र कुमार ने, उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी। असल में ऐसी बात थी नहीं सर कुछ भी, वो जिस तरह के विल पावर वाला बंदा था, जिस तरह की उसके अंदर एक ताकत थी जीने की और आगे बढ़ने की, मुझे मालूम है सर। वीडियो क्या था वायरल सर, क्या है इसका? सर अभी क्या हुआ ना कि जो हमारी फिल्म है उसके अंदर जो हमारा हीरो है वो दिल्ली से आया हुआ है और बॉम्बे में आके स्ट्रगल कर रहा है फिल्म के लिए, लेकिन उसने ना फिल्म स्ट्रगल करने के अलावा सारे काम किए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बॉम्बे में आके लोग करते हैं, पूरे अयाशियाँ जी भर के शराब शबाब कबाब सब किया उसने। एक मुकाम पे आके उसको लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसको एक बड़ी फिल्म मिलती है और उस फिल्म के चक्कर में उसको चेकअप कराना पड़ता है अपना, तो जब वो ब्लड दे के आता है ना तब उसको मालूम पड़ता है कि यार ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट जो आएगी ना गलत आएगी, क्योंकि साला मैंने बॉम्बे में आकर क्या किया, मैंने शराब मैंने पी, शबाब मैंने छोड़ा नहीं, कबाब मैंने खाया नहीं, तो सब चीज़ें मिला के मेरे को ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मुझे एड्स होगा, मुझे ये होगा, डर गया बंदा और सोचता हमको सुसाइड करना चाहिए। तो किस तरीके सुसाइड करने की कोशिश में वो कभी पंखे में लटकने की कोशिश करता है, कभी हाथ काटता है, कभी रेलवे स्टेशन में चला जाता है मरने के लिए प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग तरीके अपनाता है मरने के। इसमें से एक सीन ये भी था कि जब वो सुसाइड करने के लिए निकलता है बाहर, वो कुछ लोगों का मानना है कि अभी क्यों आपको ये जहन में आई चीज़ें, क्योंकि फिल्म मेरे काफ़ी टाइम हो गया जो डेथ और आज ये चीज़ें आ रही है फिल्म रिलीज होने टाइम। सर मैं कह रहा हूँ कि ना अगर वायरल करना होता, वीडियो ऐसे कुछ करना होता, तो जिस दिन इंद्र सर की डेथ हुई थी ना हमारे, उसी दिन हम 4-5 दिन के बाद इतना ज़्यादा हाइप हो गया सब कुछ, उस वक्त ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं हम लोग, हमारा भी बहुत अच्छा भला हो जाता है उस चीज़ों के अंदर, लेकिन हमने ऐसे सोचा नहीं कभी भी, थॉट प्रोसेस था ही नहीं। ये था कि हमें सलीके से पिक्चर धीरे धीरे कंप्लीट करनी है, अच्छे से काम करना है और बताना है कि इंद्र कुमार कितना बड़ा एक्टर था जिसको हमने खो दिया आज, हमने इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है सर। वो डिजिटल पे क्या क्या डाला आपकी कंपनी का फिल्म के बारे में, डिजिटल कंटेंट सर आज तक कुछ भी नहीं डला सर। तो ये कैसे फिल्म वायरल हो गया सर? क्या डाला, कुछ फोटोग्राफ डालते थे हम लोग कभी, फोटोग्राफ सच है वीडियो, बट वो फिल्म का वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ सर क्या हुआ, देखो जैसे हम लोग फिल्म है ना, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर फिल्म होती है आजकल, वो तो है नहीं कि कोई नया तरीका लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं कभी डबिंग के लिए कभी कहाँ गई फिल्म, कभी मिक्सिंग के लिए कहाँ गई फिल्म, कभी दूसरे पार्ट के लिए कहाँ गई फिल्म, ये टुकड़े टुकड़े में हम लोग कई जगह फिल्म भेजते हैं अपनी,
तो अब कहाँ से कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई, हमारे पास कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, तो वहाँ पे कैसे वो लीक हुआ, कहाँ से हुआ होगा सर, अभी तक कन्फ्यूजन हो गया हमारे को ना, तो उसको पता हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कैसे है क्या नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, जो इंदर की फैमिली पे इफेक्ट पड़ रहा है सर, जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, जो आ रहा है कि सच में ये आदमी ऐसा ही था, इसको ऐसे मरना चाहिए था, इसे सुसाइड ही किया होगा, अब जाके देखो सही बात मालूम पड़ी, वो चीज़ें की नेगेटिव इतनी ज़्यादा हो गई ना, हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है ये, तो सब छोड़ के फिर हम लोगों ने आज आपको बुला के बात करने की कोशिश की कि सर एक हमारी फिल्म का सीन है कि ये जो गलती से वायरल हुआ है क्या हुआ है, मजबूरी में हमको ये फिर आज बात करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो वायरल वीडियो है इसका कहीं फिल्म पर असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? सर फिल्म कब रिलीज? सर मैं असली बात तो ये कि हमें पता ही नहीं फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि अभी तो हम पोस्ट के उस प्रोसीजर में अटके हुए हैं जहाँ पे 4-5 महीने हमको लगने चाहिए देखा जाए तो, जिस तरीके का हमारे पास फंड आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, सब कुछ छोड़ के ना हमारे को इस फिल्म के लिए लगना पड़ेगा 1-2 महीने में कि सब कुछ कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ कर दें। एक उसको एक इंद्र कुमार को एक हमारी तरफ श्रद्धांजलि होगी, हम लोग अगर उसकी डेथ एनिवर्सरी पे जुलाई के एंड में हो सके तो अब हम लोग भागें इस काम के लिए और रिक्वेस्ट करें सब लोगों से जल्दी जल्दी काम खत्म करो फिल्म का, हेल्प करो हमारी, तो हम लोग बताएँ कि इंद्र कुमार को होकर हमने कितनी बड़ी आज हमने कमी महसूस की है। इंद्र कुमार की ये नहीं कोई और फिल्म है, अभी किरणा मूवी है, किरणा में भी चल रही है, उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या मतलब आपको क्या खुलासा करना सर? मैं अभी इंद्र कुमार की जो अभी फिल्में आई हैं ना सारी की सारी, जो भी फिल्में आई हैं उनमें उनका करेक्टर कुछ अपने तरीके का होगा, लेकिन जो फिल्म है ना ये इसमें पूरा हीरो है, वो पहले फ्रेम से लेके और आखिरी फ्रेम तक इंद्र कुमार ही है। वो जो आने वाला था ना जो फिल्म के अंदर मैं लिख के दे रहा हूँ, जब फिल्म आएगी ये 100% सर किसी न किसी रूप में उसको अवार्ड मिलने वाला था फिल्म के अंदर कि ये फिल्म का हीरो है, हीरो को अवार्ड मिला है बड़ा बड़ा, चाहे हो सकता है नेशनल अवार्ड मिले क्या मिले, वो आप पिक्चर देख के आप सैल्यूट करेंगे सर। शूटिंग के दौरान कैसे केमिस्ट्री थी आपके साथ में, कैसे मिलते थे क्या? सर मैंने हमारे पास पैसे बहुत कम थे, हमारे पास हम सोच रहे थे पहले 5D के ऊपर पिक्चर शूट करके 10 दिन में ख़त्म कर देंगे फिल्म, और हमको सर हम यूट्यूब पर पिक्चर दिखा देंगे ख़त्म करेंगे, हमको काम आता है ये हमारा मकसद था हमारा। लेकिन जब हम पिक्चर शुरू करने वाले थे तो हमारे को इंद्र कुमार मिल गया, जब इंद्र कुमार आ गया हमारे फिल्म के अंदर तो 5D कैमरा भी अचानक फिल्म कैमरे में चला गया, वो भी बढ़ गया। फिर सुनील पाल सर आ गए हमारी फिल्म के अंदर, फिर नासिर अब्दुल्ला साहब आ गए हमारी फिल्म में, ऐसे करते करते फिल्म हमारी बड़ी होती चली गई। और करते करते जो 12 दिन का शूट था ना, उन्होंने बोला, सबने बोला, सुनील पाल सर ने बोला प्रेम पिक्चर अच्छी बन रही है, मैं तेरे पास 2 दिन के लिए हूँ ना तो भूल जा उसको, तो उन्होंने पूरा साथ दिया 12 दिन का मेरे को। जब इंद्र कुमार सर का टाइम आया उन्होंने मुझे 12 दिन की डेट दी, मैं 2 दिन काम किया, मेरे को बोला प्रेम पिक्चर बहुत अच्छी बन रही है, मुझे कोई जल्दी नहीं है तो आराम से टाइम ले अपना, मुझे तेरा काम समझ में आ गया। पूरा 32 दिन लगे शूट करने में सर हमारे को फिल्म। आपको कब वैसे मालूम पड़ा, कब आपने देखा ये, आपको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं मेरे को लोगों ने शेयर किया, शेयर अपना कितने दिन पहले? अभी परसों मुझे टैग किया, मेरे को लोगों ने टैग कर लिया, मैंने टैग किया, किसने किया? टैग करने के बाद मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मैं अपने कामों में थोड़ा बिजी लगा पड़ा था। भाभी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे में ये मैसेज आ रहा है टैग करके, तुमको कोई भेज रहा है, क्या चीज़ है ये? तो फिर मैंने खोल के देखा मैंने इसको, मैं कहा ये क्या हो गया, मैं कहा भाभी अपनी फिल्म का है, मैं भागा भागा भाभी से मिलने चला गया घर पे, करते करते मामला गड़बड़ हो गया सर। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सर मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म हमारी आ रही है फटी पड़ी है यार, उसमें इंद्र कुमार का जो नाम खराब हो रहा है सुसाइड का, वो मालूम पड़ेगा कि उसने सुसाइड की फिल्म बनाई है तो वो सुसाइड नहीं कर सकता, और आने वाले टाइम में उसकी ये फिल्म 100% फिल्म लाइब्रेरी के अंदर आएगी, ये मेरा मानना है सर। थैंक यू सर। बहुत करता लेकिन फोटो अच्छा खींचता।